टंडो अलायार में इस्लामी सिविल सोसाइटी की जानिब से तकरीम शोहदा और इस्तेहकाम पाकिस्तान के अहद के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें शुरका ने शोहदा को खराज तहसीन पेश किया और इस्तेहकाम पाकिस्तान का अहद किया। मजीद बता रहे हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल लतीफ़ कायम खानी। इस वक्त मैं जो है लाकत गेट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है इस्लामिक सेंटर की जानिब से जो है तकरीब में शोहदाए पाक फौज की तकरीब का इनेकाद किया गया है। इसका हमारे पास इनके मुकामी रहनुमा मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं इस तकरीब के जो है क्या मकासद हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज इस्लामिक सिविल सोसाइटी की तरफ से तकरीब शोहदा व इस्तेहकाम पाकिस्तान की तकरीब मुनक्किद हुई। इसका मकसद ये था कि लोगों को पता चले कि हम शोहदा को भूले नहीं हैं। जिन शोहदा ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, बिलखसूस पाक फ़ौज के शोहदा को, वो हमारे माथे का झूमर हैं। उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए आए थे और इस अज़म का भी इजहार आज के शुरुका ने किया है कि इंशाअल्लाह तकरीब में शोहदा भी करते रहेंगे और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए काम भी करते रहेंगे। जी आपने सुना, इनका कहना है कि जो है शोहदा की जो है याद हमेशा रखी जाएगी और इस्तेहकाम पाकिस्तान भी किया जाएगा और पाक फौज के शाना बशाना हमेशा खड़े रहेंगे।